हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि करेले का प्लांट यानी करेला कैसे होता है। करेले का बीज होता है, करेला जो पीला पड़ जाता है, जो सूखने लगता है, उसको अगर हम निकालेंगे तो उसमें से ऐसे प्लांट्स का जो बीज निकलेगा उसे हम मिट्टी में इस तरह से डाल देंगे और वो प्लांट्स और वो ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। पहले 2-3 पत्ते आएंगे, अराउंड 10 दिन लगते हैं प्लांट्स को ऊपर आने में, और फिर इसके बाद इसमें से ऐसे हरे भरे पत्ते निकलना चालू हो जाएंगे। जिसके बाद इसको ये एक इसमें वाइन्स आते हैं, इसके लिए इसको सपोर्ट की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें एक सपोर्ट देना पड़ेगा और वो प्लांट्स ऊपर की तरफ आते रहते हैं। और उसके बाद हमें इसमें से है ना येलो पीला रंग का जो फूल निकलेगा, और उसके बाद वो जो पीला फूल बाद में करेला, एक छोटा करेला, फिर कुछ छोटे से बड़े बड़े करेला बनना चालू हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये उगाना काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा पेस्ट लगते नहीं है, क्योंकि ये करेला नीम होता है। इसकी बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, खाने के लिए सब्ज़ी का काम करता है, ग्रॉसरीज़ है, तो ये एक अच्छा हरा भरा ऑप्शन है। इसे हम गमले में लगा सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं, और एक अच्छा ऑप्शन है। करेला लगाना बिल्कुल ही आसान है। करेले को ज़्यादा कोई इस जहाँ तक हम सॉइल्स की बात करें तो सॉइल एक फर्टाइल सॉइल चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाला गया हो, एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जिसमें या फिर हम इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम वो भी डाल सकते हैं, बट ऑर्गेनिक ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें ज़्यादा कुछ ये ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती नहीं। अब हम दूसरे प्लांट की बात करते हैं। ये हमारा गुआवा यानी पेरू का पेड़ है। ये पेरू का पेड़ बहुत ही है, ये जो पेरू का जो बीज होता है उसे अगर हम इसमें गमले में लगा दें तो उसी में से ये जो पेरू का पेड़ है ये निकलना चालू हो जाएगा। ये पेरू को इंग्लिश में गुआवा कहते हैं, और ये जो पेड़ है ये ज़रा बड़ा हो जाएगा, उसका इसमें ये जो इसका जो ब्रांच है ये मोटा होने लगेगा, तब इसे हम इस गमले में से निकाल देंगे और उसके बाद कहीं एक ज़मीन पे डाल देंगे, क्योंकि हम गमले में इसे उगा नहीं सकते, क्योंकि इसका प्लांट काफ़ी बड़ा होता है और ज़्यादा मोटा होता है। तो उसके लिए हमें इसमें जब तक ये छोटा है तब तक हम गमले में इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह इसे ज़्यादा पेस्ट की इसमें पेस्ट लगते नहीं है ज़्यादा, और अगर कहीं पेस्ट का कुछ प्रॉब्लम जैसा आए तो हम इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर देंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स सही हो जाएगा। और ये सीजनल फ्रूट है, ये काफ़ी पेरिनियल प्लांट है, लगभग 15-20 साल तक ये आराम से रहता है और बढ़ते रहता है, और जब एक प्लांट डाई करता है तो दूसरा प्लांट आ जाता है इसमें, क्योंकि इसका जो बीज रहता है पेरू का वो उसी के आसपास के एरिए में आ जाता है। तो ये एक अच्छा प्लांट है, इसमें ग्रीनरी भरता है और अच्छा है, एयर क्वालिटी भी अच्छा है। प्लांट्स हमें लगाना चाहिए क्योंकि प्लांट्स बहुत हेल्प करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है, सॉइल इरोशन से बचाता है और हरियाली लाता है। अब और दूसरे सारे प्लांट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।